गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के लक्षण या तनाव की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस टू स्ट्रेस। तो बच्चों, इसके बारे में डिटेल समझने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि पिछले वीडियो में जो हमने मीनिंग ऑफ स्ट्रेस किया था, तनाव का अर्थ हमने समझा था, तो आप लोगों ने सबने उस वीडियो को देखा होगा और आप सभी तनाव के अर्थ को समझ चुके होंगे। फिर भी मैं बता दूं कि तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों को विघटित करती है या उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती है। तो ऐसी घटनाएं जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं और वो हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करते हैं या उनमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं। तो तनाव के लक्षण, दो तरह के लक्षण हैं। इसमें हम आज जो पहला लक्षण हम करेंगे वो है मनोवैज्ञानिक लक्षण या प्रतिक्रियाएं। तो तनाव के लक्षण हो या तनाव के प्रतिक्रियाएं हो, दोनों में हमें सेम ही चीज़ लिखनी है। तो तनाव के लक्षण में पहला जो लक्षण है वो है मनोवैज्ञानिक लक्षण या प्रतिक्रियाएं। तो तनाव में कई तरह की मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी तनाव में व्यक्ति की मानसिक कार्यों में एक तरह का डिसरप्शन या विघटन या डिस्टर्बेंस पाया जाता है। और इन सभी तरह के जो मानसिक डिस्टर्बेंसेस हैं या डिसरप्शंस हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकृति, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और दूसरा है संवेगिक अनुक्रियाएं या इमोशनल रिस्पॉन्सेज। तो पहला जो है संज्ञानात्मक विकृति, ये क्या है हम इसको समझेंगे। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो संज्ञानात्मक विकृति जो है व्यक्ति में पाई जाती है। संज्ञानात्मक विकृति में क्या होता है कि व्यक्ति में कंसंट्रेशन जो है, जो एकाग्रता की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है तथा वो अपने चिंतन को तार्किक रूप से संगठित नहीं कर पाता। जो वो सोच रहा है उसको वो संगठित करने में असमर्थ होता है और चिंतन में चिंता की भूमिका पड़ जाती है और व्यक्ति परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को ठीक ढंग से नहीं देख पाता। तो जो उसके सामने जो परिस्थिति है उसके जो कौन कौन से पहलू हैं या कौन कौन से प्रोन्स एंड कोन्स हैं, उनको वो ठीक ढंग से नहीं देख पाता। अटेंशन विस्तार, यानी किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, तो अटेंशन विस्तार उसका कम हो जाता है। ध्यान में उसकी जो है क्षण भंगुरता बढ़ जाती है, यानी डिस्टर्बेंस ध्यान लगाने में बहुत अधिक हो जाता है। उसकी जो स्मरण शक्ति है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि तनाव में व्यक्ति के संज्ञानात्मक फंक्शनिंग में, संज्ञानात्मक कार्य में एक तरह की असामान्यता आ जाती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने शोध किए और उन शोधों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति कुछ वैसा व्यवहारात्मक पैटर्न दिखाता है जिसे वह बीते हुए समय में कर चुका होता है। जैसे जिन व्यक्तियों में सतर्क रहने या चौकन्ना रहने की प्रवृत्ति होती है, पहले से अधिक होती है, वे तनाव की स्थिति में और भी अधिक सतर्क हो जाते हैं या चौकन्ने हो जाते हैं, तथा जो आक्रामक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यदि उनमें तनाव हो जाए तो वो क्या करते हैं, पहले से और अधिक उनमें आक्रामकता बढ़ जाती है और उनके जो सभी व्यवहार हैं उनमें आक्रामकता देखने को मिलती है। तो इस कारण ये इसका जो कारण है वो ये बताया गया कि तनाव से व्यक्ति में कई तरह की संज्ञानात्मक विकृति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति समस्या के समाधान के साधनों को नहीं देख पाता कि मुझे समस्या का समाधान कैसे करना है, तथा अपने व्यवहार में बहुत अधिक रिजिडिटी वो दिखाता है, बहुत अधिक दृढ़ता वो दिखाता है। तो इस तरह से जब व्यक्ति तनाव में होता है
तो उसके कारण उसकी जो कॉग्निटिव है या संज्ञान है उसमें बहुत अधिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। सेकंड जो पॉइंट है वो है सांवेगिक अनुक्रियाएं या इमोशनल रिस्पॉन्सेज। तो जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसमें कई तरह तरह की सांवेगिक अनुक्रियाएं या नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज दिखाई देने लगते हैं। जैसे पहला जो है इमोशनल रिस्पॉन्सेज में या सांवेगिक अनुक्रियाओं में पहला जो पॉइंट है वो है चिंता। तो जब व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति से घिर जाता है तो उसमें सबसे पहले सांवेगिक अनुक्रिया क्या होगी कि वो उसमें चिंता उत्पन्न हो जाएगी। और चिंता एक ऐसी अप्रिय सांवेगिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति में डर या आशंकाएँ या परेशानी जो है उनकी मात्रा प्रधान हो जाती है या बहुत अधिक हो जाती है। तो चिंता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य चिंता और एक होती है स्नायु विकृत चिंता। तो पिछले वीडियोस में हमने स्नायु विकृत चिंता को पढ़ा था और यही चैप्टर है जिसमें हम स्नायु विकृत चिंता को पढ़ चुके हैं। तो सामान्य चिंता का जो स्वरूप है वो एडेप्टिव होता है यानी समायोजित होता है। अगर व्यक्ति में सामान्य रूप से कोई चिंता है तो व्यक्ति उसके साथ एडप्शन कर लेता है या वो उसके साथ समायोजित हो जाता है। और इस तरह की जो चिंता है वो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के साथ समायोजन करने में व्यक्ति को मदद करती है। लेकिन जो न्यूरोटिक एंग्जाइटी होती है जिसको हम मानसिक रोग भी कहते हैं, तो वो व्यक्ति जो न्यूरोटिक एंग्जाइटी में व्यक्ति क्या होता है, तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से इतना अधिक डर जाता है या इतना अधिक आशंकित हो जाता है कि उसके कारण वैसी परिस्थिति के साथ निपटने की जो क्षमता है या उसके साथ कोप करने की या उसका प्रबंधन करने की क्षमता व्यक्ति की लगभग समाप्त हो जाती है और वह अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगता है। तो इस तरह से पहली जो सांवेगिक अनुक्रिया या लक्षण जो व्यक्ति में देखने को मिलता है वो है चिंता। दूसरा जो लक्षण है या दूसरा जो सांवेगिक अनुक्रिया व्यक्ति में तनाव की स्थिति में उत्पन्न होती है वो है क्रोध एवं आक्रामकता। तो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के प्रति एक जो अन्य जो सांवेगिक अनुक्रिया होती है वो है क्रोध, जिसके बाद व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करने लगता है। तो जो है ना, मनुष्यों और पशुओं पर कुछ अध्ययन किए और जिनसे ये स्पष्ट हुआ कि तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक या परिस्थिति के प्रति प्राणी में पहले क्रोध उत्पन्न होता है या यदि ऐसे उद्दीपक प्राणी के सामने अधिक समय तक बने रहें तो वह उनके प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार भी करने लगता है। बच्चों पर अध्ययन किए गए और उन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि जब उन्हें लक्ष्य वस्तु तक पहुंचने से रोक दिया जाता है तो उनमें एक तरह की कुंठा उत्पन्न होती है, उनमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन या कुंठा जो है वो उत्पन्न होती है और उनमें जो है कुंठा से फिर उनमें आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होता है और वो लक्ष्य वस्तु की ओर आक्रामकता दिखाने लगते हैं। तो कभी कभी जो लक्ष्य वस्तु है या जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं या जो स्रोत हैं जो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न करते हैं, तो वो जो स्रोत है या वो जो लक्ष्य वस्तु है वो अस्पष्ट होती है और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे किस वस्तु पर आक्रमण करना चाहिए, परंतु उसमें क्रोध तो रहता ही है, क्रोध उसका समाप्त नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में वह अपनी आक्रामकता को दिखाने के लिए उपयुक्त वस्तु की खोज करता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंठा उत्पन्न करने वाला जो सोर्स है वो इतना शक्तिशाली होता है कि जिसके कारण उसके प्रति व्यक्ति आक्रामकता नहीं दिखा पाता। तो इन सारी परिस्थितियों में व्यक्ति की आक्रामकता किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर ना कि वास्तविक वस्तु या व्यक्ति की ओर डिस्प्लेसमेंट उसका होता है या वो विस्थापित होती है। तो इस तरह से जो आक्रामकता को डिस्प्लेस्ड आक्रामकता हम कहते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक लक्षणों में जो सांवेगिक अनुक्रियाएं हैं उनमें पहला लक्षण तो देखने को मिलता है चिंता और दूसरा लक्षण देखने को मिलता है क्रोध एवं आक्रामकता। और अब तीसरा जो लक्षण है सांवेगिक अनुक्रियाओं में वो है भाव शून्यता या
विषाद, एम्पैथी या डिप्रेशन। तो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के प्रति कुछ लोगों में क्रोध या आक्रामकता का व्यवहार ना होकर उसके विपरीत क्या होता है कि भाव शून्यता या विषाद का भाव विकसित हो जाता है। जनरली क्या देखा गया है कि अगर तनावपूर्ण परिस्थिति व्यक्ति के सामने होती है और व्यक्ति उसके साथ निपटने में सफल नहीं होता, यानी उसका कोपिंग उसके साथ नहीं करता या उसका प्रबंधन नहीं कर पाता, तो वह उनके प्रति भाव शून्य हो जाता है या उदासीनता विकसित कर लेता है, और जो बाद में व्यक्ति में डिप्रेसिव टेंडेंसी उत्पन्न करती हैं या उसको विषादी बना देती हैं या वो बहुत अधिक दुखी रहने लगता है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन ये स्पष्ट करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के प्रति, यानी जो उद्दीपक व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न करते हैं, उनके प्रति जो रिएक्शंस हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो व्यक्ति अन्य व्यवहारों के समान ही उनको सीखता है। जैसे मान लीजिए हम इसको उदाहरण दें या उदाहरण से समझें कि जो व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के प्रति आक्रामकता दिखाकर कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, यानी जिस परिस्थिति से उसको आक्रामकता हुई, तनाव उत्पन्न करने वाली ऐसी परिस्थिति के प्रति व्यक्ति क्या करता है, आक्रामकता दिखाता है और कभी भी उसको आक्रामकता दिखाकर कभी भी वो सफल नहीं होता और वो उसके प्रति उदासीन रहने की अनुक्रिया सीख लेता है, क्योंकि उसको सफलता नहीं मिलती तो क्या होगा, वो उदासीन रहने लग जाता है उसके प्रति और धीरे धीरे उसमें दिखाई गई जो प्रवृत्ति है वो मौजूद हो जाती है। तो पशुओं पर और मनुष्यों पर इस संबंध में अध्ययन किए गए जिनसे ये स्पष्ट हुआ कि जब प्राणी वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब मनुष्य भी हो सकते हैं और पशु भी हो सकते हैं। तो प्राणी जब तनावपूर्ण परिस्थिति में अपने आप को पाता है या उससे घिरा हुआ होता है तो वह अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, बहुत ही निस्सहाय महसूस करता है। और जो अध्ययन हुए उनमें मनोविज्ञान में जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस है या अर्जित, जिसको हमने अर्जित किया है, वो निस्सहायता के कॉन्सेप्ट का तभी जो है इसका विकास हुआ था। और सेलिगमैन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस हेल्पलेस वर्ड को इस्तेमाल किया था, अर्जित निस्सहायता को उन्होंने विकसित किया और सेलिगमैन ने इसका बहुत अधिक इसमें योगदान उनका बहुत अधिक है। तो इस तरह से ये तनाव के लक्षण हैं या तनाव की प्रतिक्रियाएं जिनको हम कहते हैं, जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो उसमें जो है संज्ञानात्मक विकृति पाई जाती है और कुछ सांवेगिक अनुक्रियाएं देखने को मिलती हैं जिसमें चिंता, क्रोध, आक्रामकता, भावशून्यता तथा विषाद जो है इम्पॉर्टेंट लक्षण किसी भी रोगी में जो तनाव की स्थिति में होता है उसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, सेकंड पॉइंट तनाव के लक्षण का, वो है दैहिक प्रतिक्रियाएं या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स या शारीरिक लक्षण, कि व्यक्ति जब तनाव में होता है तो उसमें कौन कौन से फिजिकल सिम्टम्स या दैहिक प्रतिक्रियाएं या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।